नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे पास एक नया प्लान है 27x27 या आपका 729 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान आज हम डिजाइन करने वाले हैं। इसमें अगर लेंथ की सेक्शन बात करें तो उसमें आपका रहेगा लेंथ में 27 फीट एंड 27 फीट का सेक्शन आपका विड्थ का रहेगा। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कॉलम के सेक्शंस, तो यहाँ से आपका जो फ्रंट वॉल रहेगी वहाँ पे कॉलम के सेक्शंस आएंगे। ये आपका साइड वॉल में कॉलम के सेक्शंस रहेंगे, लास्ट वॉल में कॉलम के सेक्शन, ये सभी आपके कॉलम के सेक्शंस हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसमें इनर एंड आउटर वॉल का सेक्शन। तो जो आपका ये आउटर वॉल का सेक्शन है चारों तरफ से आउटर वॉल, ये आपका रहेगा 9 इंचेस का, आप इसको 4 इंच का भी दे सकते हैं। इनर वॉल और जो सभी आपके पार्टीशन वॉल हैं, इनर वॉल या पार्टीशन वॉल कहते हैं आप इसको, ये आपका रहेगा 4 इंच का सेक्शन, ये 4 इंच का सेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर फेस की बात करें तो आपका ईस्ट फेस हाउस प्लान रहेगा, ये आपका मेन एंट्रेंस रहेगा, मेन गेट। इसका एरिया मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके बाद हम देखेंगे इसमें डोर के सेक्शंस, तो यहाँ से एंट्रेंस करेंगे तो ये आपको पोर्च या पार्किंग का सेक्शन मिल जाएगा, वहीं से आपका स्टेयर का अप रहेगा। इधर से ये पोर्च और एंड ये आपका ड्राइंग रूम, यहाँ पे आपका किचन का सेक्शन आ जाएगा, ये आपका एक बेडरूम रहेगा एंड सेकेंड बेडरूम दिस साइड रहेगा, ये ओपन स्पेस रहेगा वेंटिलेशन के लिए। देखेंगे डोर के सेक्शन, तो यहाँ से एक डोर आपका ये प्रोवाइड किया जाएगा, एक डोर आपका ये रहेगा, सेकेंड डोर आपका इधर से ही सेकेंड इधर ओपन होगा। तो ये आपका डोर का सेक्शन हो जाएगा। किचन में यहाँ आपका डोर प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपका बेडरूम में डोर रहेगा, अटैच लेटवाथ का सेक्शन, अटैच लेटवाथ एक डोर आपका इधर रूम में प्रोवाइड किया जाएगा, इधर आपका एक विंडो रहेगा एंड दिस साइड वेंटिलेशन में अंदर जाने के लिए आपका एक डोर प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद देखेंगे इसमें विंडो के सेक्शंस, तो ये आपका जो ड्राइंग सेक्शन है वहाँ से विंडो जो ओपन वेंटिलेशन पर खुलेगा, एक विंडो आपका ये पोर्च में रहेगा, एक विंडो आपका ये पीछे वेंटिलेशन पे एंड ये आपका विंडो रहेगा। ये सभी आपके विंडोज के सेक्शन हो जाएंगे। एक विंडो आप यहाँ दे सकते हैं जो कि स्टेयर के ऊपर ओपन होगा, जो किचन के प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर रहेगा वेंटिलेशन के लिए, तो ये भी आपका विंडो हो जाएगा। इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, ये आपका विंडो के सेक्शंस हो जाएंगे। बात करेंगे इनके एरिया के सेक्शन की, तो यहाँ से आपका जो बेडरूम का सेक्शन है वहाँ से देखते हैं, ये आपका रहेगा आपका ऑलमोस्ट जो लेंथ का सेक्शन है वो आपका है 10 फीट 1 इंच का सेक्शन एंड विड्थ का सेक्शन आपका रहेगा 9 फीट 1 इंच का विड्थ का सेक्शन रहेगा। अटैच लेटवाथ के सेक्शन बात करें तो लेंथ में रहेगा आपका 7 फीट एंड विड्थ में 4 फीट 6 इंच का सेक्शन आ जाएगा। बेडरूम जो लास्ट में दिया गया है एक और, इसका लेंथ वाइज सेक्शन रहेगा आपका 9 फीट 1 इंच का सेक्शन एंड विड्थ वाइज 11 फीट 1 इंच का सेक्शन आ जाएगा। किचन के एरिया में बात करेंगे तो उसका लेंथ रहेगा आपका 7 फीट 2 इंच का सेक्शन एंड विड्थ का एरिया आपका जाएगा ऑलमोस्ट 8 फीट का एरिया रहेगा विड्थ वाइज। ड्राइंग का सेक्शन आता है, ड्राइंग के सेक्शन में ये आपका विड्थ वाइज सेक्शन आपको रहेगा 14 फीट 1 इंच का सेक्शन एंड लेंथ वाइज 9 फीट 8 इंच का सेक्शन हो जाएगा। पार्किंग की सेक्शन बात करें तो इसमें विड्थ वाइज आपका ये रहेगा 12 फीट 1 इंच का सेक्शन एंड लेंथ वाइज आपका आएगा 9 फीट 1 इंच 10 इंच का सेक्शन हो जाएगा। स्टेयर में सेक्शन आपका यहाँ से अप रहेगा, यहाँ आपका रूप पे ओपन होगा, तो आपका ये जो एरिया है स्टेयर का ये वाला, ये आपका रहेगा ऑलमोस्ट 7 फीट का एंड दिस साइड ये वाला एरिया आपका, इधर डोनेट कर देता हूँ मैं आपको, 10 फीट का सेक्शन रहेगा। अब आपका बचता है एक वेंटिलेशन, तो आपका ये वाला वेंटिलेशन रहेगा 2 फीट 6 इंच का
लेंथ वाइज एंड 2 feet 6 inch का आपका ये वाला भी रहेगा लेंथ, और ये ब्रेथ वाइज आपका यहीं तक चलेगा आपका पूरा 14 feet 1 inch का सेक्शन। तो ये आपका 2 BHK हाउस प्लान होता है, 2 BHK हाउस। इसमें अगर बात करें इसके बिल्डिंग कॉस्ट के सेक्शन की, बिल्डिंग कॉस्ट तो ये आपके ऑलमोस्ट रहेगा 8 से 10 lakh, जो कि आपके लोकेशन के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपका आज का प्लान होता है जो कि 2 BHK हाउस प्लान डिज़ाइन किया गया था। साथ ही अगर आप ऐसा कोई प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।